हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 13th of June 2021 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल यानी मंडे से जो नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होने जा रहा है। कल हमारे लिस्ट में रहेगा ये 7 शेयर, क्योंकि ये 7 शेयर में कुछ ना कुछ जरूर होगा, या तो बहुत बड़ा गिरावट या तो बहुत ज़्यादा तेज़ी हो सकता है। कौन ये 7 शेयर है, उसके साथ साथ सुचेता दलाल जी का यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्वीट भी आ चुका है, जिसको लेके कुछ एक ग्रुप ऑफ कंपनीज को पूरा उथल पुथल हो रहा है। चलिए ये सब कुछ एक साथ डिस्कशन करेंगे, सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये 4 चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, कल यानी मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होने जा रहा है, और कल की डेट पे हाइलाइटेड स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पे कुछ डिस्कशन करेंगे। सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड स्टॉक रहेगा दोस्तों, यहाँ पे सुचेता दलाल जी का एक बहुत बड़ा ट्वीट आ चुका था कल की डेट पे, यानी येस्टरडे ये ट्वीट किया था उन्होंने। और सुचेता दलाल जी कौन है वो मुझे अलग करके बताने का ज़रूरत नहीं है, हम सभी को मालूम है। हर्षद मेहता की टाइम से एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। उसके साथ साथ देखिए ये ट्वीट आप देख सकते हो, ये अनादर स्कैंडल हार्ड टू प्रूव आउटसाइड द ब्लैक बॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद सेबी ट्रैकिंग सिस्टम्स इज द रिटर्न ऑफ एन ऑपरेटर ऑफ द पास्ट हु इज रिसेंटली रिगिंग प्राइस ऑफ वन ग्रुप। यहाँ पे दोस्तों कोई भी पर्टिकुलर शेयर के ऊपर बात नहीं किया इन्होंने, बल्कि एक पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ कंपनी का बात किया। तो दोस्तों, हम सभी को मालूम है लास्ट एक साल में अचानक से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि एकदम लगभग 150,000 रुपये में पहुंच गया। मैं आपको नाम तो नहीं डिस्क्लोज कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सुचेता दलाल जी भी यहाँ पे कोई भी मतलब डायरेक्टली नहीं बोला पूरा मतलब ग्रुप को नाम लेके, बट तो यहाँ पे मैं आपको नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट यहाँ पे मैं आपको इसका ग्राफ दिखा सकता हूँ ज़रूर। इसका आज की डेट पर अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो करीबन 1600 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि एक साल पहले की अगर हम बात करें तो देख सकते हो 150 रुपये के आसपास शेयर, जो कि एक साल के अंदर कोई भी बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं, कोई भी बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं कि कंपनी का परफॉर्मेंस अचानक से बहुत ज़्यादा आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अचानक से 150 रुपये का शेयर 1600 रुपये में पहुँच गया। शेयर का अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो देख सकते हो दोस्तों, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, ऊपर नीच बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल फ्लैट मूवमेंट, बट अचानक से ऐसे 1600 में जाना, ये सच में एक बहुत ज़्यादा ऑपरेटर का ट्रैप मुझे भी लगता है, जिसका कारण ये ग्रुप का एक पर्टिकुलर शेयर के ऊपर मैं आपको, आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको याद होगा, इसके पहले मैं आपको बार बार अलर्ट भी किया था पर्टिकुलर ये स्टॉक के ऊपर निवेश ना करने के लिए। अब कौन सा स्टॉक है वो तो आप खुद ही जानते हो, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी है। चलिए, ये स्टॉक के ऊपर तो हम कल की डेट में सबसे ज़्यादा नज़र रहेगा पूरा ये ग्रुप के ऊपर, जितना भी स्टॉक है ये ग्रुप का, क्योंकि ये ग्रुप के ऊपर कल थोड़ा सा गिरावट आने का चांस सबसे ज़्यादा है। चलिए, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा शेयर के ऊपर कल हमें सबसे ज़्यादा नज़र आएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसका क्वार्टरली रिजल्ट आउट हुआ था फ्राइडे के दिन ही, आप देख सकते हो शेयर प्राइस लास्ट डे की अगर बात करें तो करीबन 76 रुपये के आसपास चल रहा था, बट क्वार्टरली रिजल्ट इसका उतना ज़्यादा खास नहीं आया, कंपनी का लॉस आया था, देख सकते हो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक रिव्यू भी कर चुका हूँ वीडियो। 1036 करोड़ का कंपनी ने नेट लॉस जनरेट किया, जिसके अंदर यहाँ पे कल मार्केट के ऊपर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने का चांस है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, वेल के अंदर कल गिरावट आएगा या तेज़ी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलेंगे नेक्स्ट स्टॉक पे। देखिए, यहाँ पे मैं जितने भी स्टॉक आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे स्टॉक में मैं आपको खरीदारी करने या ना करने की राय नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल की डेट के लिए आप ये अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये सारे स्टॉक में कुछ ना कुछ बड़ा तो होगा ही। उसके बाद दोस्तों, सेल का रिजल्ट आपको याद होगा फ्राइडे के दिन, ठीक आफ्टर मार्केट बंद हो जाने के बाद ही सेल का रिजल्ट आउट हुआ था, और रिजल्ट दोस्तों आउटस्टैंडिंग आया था। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, देख सकते हो क्वार्टर फोर रिजल्ट 31% का जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो इसके ऊपर हम सभी का नज़र आएगा, क्योंकि स्टील सेक्टर का स्टॉक वैसे ही इतना ज़्यादा चल रहा है, और उसके साथ साथ सेल का नंबर भी इतना शानदार आया है, तो ये शेयर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ सकता है कल बाज़ार ओपन होने के बाद, तो इसके ऊपर भी हम सभी का नज़र रहेगा कल की डेट पर। तो दोस्तों, सेल के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है, ये भी एक गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे के दिन पावर ग्रिड की यहाँ पे डिक्लेयर किया था कि इस बार जब 17th of June के दिन पावर ग्रिड का क्वार्टर फोर रिजल्ट आउट हो रहा है, उसी दिन बोनस शेयर भी यहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाला है, कितना
रेशियो पे बोनस शेयर 1:1 या 2:1 वो तो हमें 17th of June की दिन भी पता चला जाएगा। बट फिलहाल इसके ऊपर भी हम सभी का नज़र रहेगा क्योंकि ये जो पूरा वीक हो रहा है माने आने जा रहा है कल से, पावर ग्रिड के ऊपर हम सभी का नज़र रहेगा बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बोनस शेयर देने वाला है तो शेयर का प्राइस में और भी ज़्यादा तेज़ी आ सकता है। तो ये अच्छा न्यूज़ है स्पेशली पावर ग्रिड के शेयर होल्डर के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको खरीदारी करना है या ना करने का राय बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, वो तो आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए उसके बाद दोस्तों और एक शानदार कंपनी जिसका कल की डेट पे 14th of June के दिन कोल इंडिया का क्वार्टरली रिजल्ट आउट होने जा रहा है। अब खास बात यह है कि दोस्तों जो मार्केट का एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस बार क्वार्टर फोर की रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने बहुत ज़्यादा डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकता है। आपको याद होगा मार्च की महीने पर कोल इंडिया ने 5 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड दिया था। तो कोल इंडिया जैसे कंपनी जो कि डिविडेंड के लिए स्पेशली फेमस है, अगर आप देखोगे इसका डिविडेंड डील देखिए 10% के आसपास डिविडेंड डील है, यानी सारे पूरा साल में आपको मतलब कोई भी एफडी से ज़्यादा ये कंपनी तो डिविडेंड ही आपको दे देता है। तो इसके अंदर भी हम सभी का नजर आएगा और आप बस इस चैनल के साथ जुड़े रहना, कल जब भी कोल इंडिया का रिजल्ट आउट होगा तुरंत मैं आपके साथ वीडियो को लेकर आ जाऊँगा। और तो दोस्तों उसके बाद हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट शेयर है वो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर इनकरेज करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। दोस्तों हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट शेयर है रुचि सोया, जो कि बाबा रामदेव जी का यहाँ पे एक कंपनी है। तो ये शेयर प्राइस तो लास्ट डे हमें करीबन 1242 रुपये के आसपास देखने को मिला था, बट इसके अंदर मतलब कल जो वीक स्टार्ट होने जा रहा है उसके अंदर गिरावट आने का चांस है, क्योंकि अभी अभी रिसेंट न्यूज़ आया, देखिए 4 घंटा पहले का ये न्यूज़ है, ज़्यादा पुराना न्यूज़ नहीं है, आज का ही न्यूज़ है। यहाँ पे देखिए बाबा रामदेव रुचि सोया फाइल्स FPO मतलब यहाँ पे फंड रेज करना चाहता है FPO डॉक्यूमेंट टू रेज अप टू 4300 करोड़ का, यानी वो काफ़ी ह्यूज यहाँ पे फंड रेजिंग करने जा रहा है। इसके पहले दोस्तों आपको मैं समझाया था, आपको याद होगा कि कोई भी कंपनी अगर फंड रेज करता है दो टाइप से कर सकता है, एक है इक्विटी शेयर बेच के, दूसरा होता है बॉन्ड बेच के। ये जो FPO के थ्रू फंड रेज होगा ये इक्विटी शेयर बेच के होगा, और इसमें दोस्तों हमेशा जो प्राइस रखा जाता है वो करेंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस में रखा जाता है। तो जिसके कारण रुचि सोया में कल की डेट पे हमें गिरावट आने का चांस ही सबसे ज़्यादा है। और लास्ट हमारी लिस्ट में जो शेयर कल की डेट पे हम सभी का नज़र रहेगा वो रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री का दोस्तों AGM सबसे ज़्यादा खास होता है। 24th of June डेट आप पेपर पेन में लिख लीजिए, 24th of June रिलायंस इंडस्ट्री का इस बार वर्चुअल यहाँ पे AGM होगा, यानी एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रहा है। और एनुअल जनरल मीटिंग में बहुत कुछ यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ पे डिस्क्लोज करेगा, जैसे कि 5G नेटवर्क, जैसे कि 5G फ़ोन, जैसे कि रिलायंस के साथ सऊदी अरब का जो डील होने वाला है उसको लेके बहुत कुछ यहाँ पे धमाकेदार चीज़ होने जा रहा है। तो रिलायंस के शेयर के ऊपर भी हम सभी का नज़र रहेगा कल की डेट पे, क्योंकि रिलायंस अगर भाग गया जिस दिन 4-5% ऊपर जंप लगा दिया तो पूरा निफ्टी भी जंप लगा देगा, क्योंकि निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये जो 7 शेयर मैं आपको दिखाया, सबसे पहले एकदम फुल एक पूरा का पूरा ग्रुप सुचेता दलाल जी के ट्वीट से जो कि कल की डेट में गिरावट के चांस है उसको छोड़ के, बाकी ये जो 7 शेयर मैं आपको दिखाया ये 7 शेयर के ऊपर हम सभी का नजर आएगा कल की डेट पे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे भी एंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर इनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।